दोस्तों आपका एक नई वीडियो के साथ ट्रक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जब भी नया वाहन खरीदते हैं तो आपने यह जरूर सुना होगा, ये इतने एचपी का है और ये इतने टॉर्क का है। आज हम बात करेंगे कि हमको हॉर्स पावर को कब महत्व देना चाहिए और टॉर्क को कब महत्व देना चाहिए और टॉर्क और हॉर्स पावर में क्या अंतर होता है और हमको किसी वाहन की टॉर्क पता हो तो उसका एचपी कैसे पता करेंगे। टॉर्क क्या होता है? किसान जब ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो वह देखता है कि दो ट्रैक्टर जिनकी हॉर्स पावर समान है, वह दोनों ट्रैक्टरों में काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। एक कंपनी का ट्रैक्टर खींचने में अधिक पावर लगाता है तो दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर कम पावर लगाता है। ऐसा टॉर्क के कारण होता है, क्योंकि जिस ट्रैक्टर का टॉर्क अधिक होता है वह खींचने में अधिक पावर लगाता है। किसी भी इंजन का टॉर्क इस बात का मापक होता है कि वह खेतों की जुताई, मिट्टी की जुताई, भारी भार खींचना और बेलर जैसे पावर टेक पीटीओ को कितनी आसानी से उपयोग में ला सकते हैं, यह उन पर कितने बल का प्रयोग कर पा रहा है। भौतिक विज्ञान की भाषा में टॉर्क का मतलब चक्कर काटने से जो बल उत्पन्न होता है। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर यानी एचपी से ट्रैक्टर के दौड़ने की शक्ति का पता चलता है, मतलब ट्रैक्टर कितनी स्पीड से काम कर सकता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एचपी बढ़ने पर ट्रैक्टर की रोड पर चलने की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ती है। एचपी का सीधा संबंध ट्रैक्टर इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा से होता है। अधिक एचपी रेटिंग वाले ट्रैक्टर जुताई, घास काटने और भारी भार खींचने सहित अधिक मांग वाले कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। टॉर्क और हॉर्स पावर एचपी में क्या अंतर होता है? टॉर्क से हमें पता चलता है कि एक ट्रैक्टर किस तरह के काम कर सकता है और हॉर्स पावर एचपी से हमें यह पता चलता है कि यह सब काम कितनी तेजी से हो सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों ही खेतों में काम कर रहे हैं। राम एक ही 5 किलो का बैग उठा सकता है और इसको खेत तक पहुंचने में 1 मिनट का समय लेता है। वही दूसरी और श्याम एक साथ 2 बैग ले जाता है पर उसको खेत तक पहुंचने में 3 मिनट के समय लेता है। तो इसका मतलब श्याम के मुकाबले राम का टॉर्क कम है, क्योंकि वो श्याम से कम भार ले जा रहा है, पर उसका एचपी ज्यादा है क्योंकि वो श्याम से जल्दी बैग खेत तक ले जा पा रहा है। अब बात करते हैं कि टॉर्क को महत्व कब दे। आपको एक उच्च टॉर्क वाला ट्रैक्टर खरीदना चाहिए अगर आप ट्रैक्टर का उपयोग कृषि से जुड़े भारी भरकम कार्यों जैसे जुताई, भारी भार खींचने या पीटीओ से चालित उपकरण के अधिक उपयोग से जुड़े हैं। तो एक अधिक टॉर्क वाला ट्रैक्टर इन सभी कामों को करने के लिए आपको उचित शक्ति देगा। अब बात करते हैं कि एचपी को महत्व कब दे। आपको ट्रैक्टर के एचपी को तब ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जब आप एक ऐसे ट्रैक्टर की तलाश में हैं जो आपको कृषि से जुड़े कामों जैसे घास काटना या रोपण में गति प्रदान कर सके। अगर आप एक बड़ी जमीन पर खेती करते हैं और कृषि कामों को पूरी गति के साथ करना चाहते हैं तो आपको एक उच्च टॉर्क वाला ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। किसान को ट्रैक्टर खरीदते समय क्या करना चाहिए? अब तक आप टॉर्क और एचपी में अंतर समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि किसान को ट्रैक्टर खरीदते समय किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपको धान के खेतों में पुडलिंग करनी है, सख्त मिट्टी में रोटावेटर चलाना है, खेती की जुताई करनी है, तो ज्यादा टॉर्क वाले ट्रैक्टरों को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन यहां पर टॉर्क और एचपी का संतुलन भी देखना चाहिए। अगर खेत की मिट्टी नरम है और आपको कम समय में ज्यादा काम करना है तो आपको ज्यादा एचपी वाला ट्रैक्टर लेना चाहिए।
अगर आप एक उच्च एचपी और कम टॉर्क वाला ट्रैक्टर ले लेते हैं तो आपको कृषि से जुड़े भारी भरकम कार्यों में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। वही दूसरी ओर अगर आप उच्च टॉर्क और कम एचपी वाला ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको कृषि कार्यों के तेजी से करने लिए आवश्यक गति नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप ऐसा ट्रैक्टर लें जिसमें एचपी और टॉर्क का उचित मिश्रण हो। अब हम बात करते हैं जब हमें किसी वाहन का टॉर्क पता हो तो उसका एचपी कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम टॉर्क को ट्रैक्टर के आरपीएम से गुना कर देंगे और जो संख्या आएगी उसमें 5252 का भाग कर देंगे। जो संख्या आई है वो ही आपकी हॉर्स पावर है। ट्रैक्टर का एचपी मापने का सूत्र है